हौसलों की तेरे उड़ान अभी बाकी है और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने है। अभी तो नापी है इस मुट्ठी भर जमी हमने वो देखो सारा आसमान अभी बाकी है। आइए अभी एक शेर व शायरी दर से सुने हैं आप लोग। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बतलाए नहीं जाते, कुछ प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो बतलाए नहीं जाते, कुछ बातें ऐसी भी होते हैं जो छुपाए नहीं जाते। दशानन तो चाहता था लगा दो स्वर्ग तक सीढ़ी, लेकिन चादर से ज्यादा पैर फैलाए नहीं जाते। क्या बात है। आइए अभी दादा आप लोग सब लोग बैठे हैं, जवाब भी सुना। ये 50 रुपए की मुद्राएं हमारे भैया के द्वारा गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुई है, बहुत बहुत आशीष है। भैया का जीवन उज्जवल हो, जीवन में उन्नति करे। छोटो बेटा इसलिए हम पानी बरसा रहे थे ताकि तुम बेटा नहा लो, तुम घर से नहा के नहीं आए हो। हमने कहा राम समझा तो मेरी हो लाइफ डियर, देखना अर्थ पे मैंने गोल्डन डियर। अब दादा बता रहे हैं दादाजी याद दादागिरी चलेगी नहीं आप मेरी मेरी मान जाओ तुम डियर माय डियर, हमारे ही सत्य चुरा रहे हैं। और फिर कई युद्धों का कारण बनी नारी नारी, और इसमें जब हम बता चुके हैं तो ग्रंथों का निर्माण हुआ क्या बगैर युद्ध हुए क्या हुआ निर्माण हुआ। आज का ये जवाब ही है इसका ही कारण नारी बनी है। इसका जवाब कौन देगा छोटू। हमने पहले ही बता दिया था अगर रावण हमला ना करता युद्ध ना होता तो रचना नहीं होती तो है, समझते नहीं है बात को, निकल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं रखौंधी होती। अब आप हमने गाया सत्य सपना किया सम्मान करके आपका सपना टूटा, जैसे तुम विलोम इसमें लाए वैसे ही जब हम नारी दिखा रहे थे कारण तो आप नर से जवाब देते तब जवाब था। फिर काफिया मिला रहे हैं मिली कल ना उसे टूट सपना गया लबर लबर। अच्छा। अब देखा सपना जो सपना टूट गया। चलो छोड़ो गुरु दद्दा आप हमारे वरिष्ठ हैं, माटी डालो पानी काटो, राइटर अच्छे हैं, लेकिन यह जवाब हमें स्वीकार नहीं। हमने सतयुग त्रेता द्वापर दिखाया था तो आप सतयुग त्रेता द्वापर में तीनों दिखाते ये तो कलयुगी है। और फिर कहा सुपनका ने देखा सपना, सुपनका कुमारी थोड़ी ना थी जो सपना देखा कि इनको दुनिया कुमारी नजर आ रही। हमारा इस पुरुष से विवाह हो जाए तो पहले से शादी शुदा थी। बुद्धि विकास के लिए कपिला पशु आहार, विद्युत जीवरा नाम का उसका पति था तो सपना काहे का देखेगी। भैया छोटू तुम्हारे लिए कहना है चेहरे पर उदासी आंखों में नमी है, टाटा नमक खा करो बेटा अभी तुम में आयोडीन की कमी है। चलो खा छोड़ो पंगा न लेना। दत्ता ने बहुत सुंदर गीत दिया है, सुंदर नहीं था ब्यूटीफुल था। आया है जी अरे मुझे पल 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 याद लगा।
अगले दिन इतने ही वजन बना, कोई 40-50 ही वजन। देखिए गाना आपका है, कहा हम लोग रहे। अरे उसके आने का केवल एक प्रयोजन है। योजन का हम जवाब आपको योजन से ही दे रहे हैं। कहां सर है, कहां टोपी लगा रहे हो? सुनिए मुकुट समय थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ। ध्यान दे आप, मुख सुर सा का एक योजन, सब हनुमान दो योजन। जैसे चौपाई के माध्यम से सिद्ध कर रहा हूँ, योजन भरी तई बदल पसारा, कब तक क्यों दुमुन विस्तारा दादाजी। आज जवाब आर जवाबी आर पार होगी। सुरसा ने जब एक योजन फैलाया तो हनुमान जी दो योजन के हो गए। और उस मुख को बढ़ाते समय समय भी परिवर्तित हो रहा है दादाजी। ध्यान दे, मुख सुरसा का एक योजन, तब हनुमान दो योजन। बल करके हुई चार योजन, हनुमत भी हुए आठ योजन। फिर 16 योजन मुख दई थे, वो तुरंत पवन सुत 32 वे। 16 योजन अही माई, अब 32 योजन कपिराई। सत योजन हो गुस्साई, और लघु रूप धरा बल राई। एक काम और चल रहा है, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB सब मेमोरी चल रही है। अब सुनिए दादा, योजन हमारा भी नहीं छूटेगा। 32 शक्ति का प्यारा ये संयोजन है। आइए, आपकी तकलीफ का जवाब यथासंभव। और हमको लगता है आज हमारा छोटू नवरत्न तेल पी के आया है। तो अपने ही अपनों से आस किया करते हैं, और अपने ही अपनों पर विश्वास किया अपने ही अपनों से आस किया करते हैं, और अपने ही अपनों पर विश्वास किया करते हैं। और अमरदत्ता जी, जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब अपनों को अपने ही उदास किया करते हैं। आइए, दादाजी ने गाया, Thank you.
दादा ने गाया एक अक्षर ने बचा जान ली है, एक बेर ने बचा जान ली है। दादा ये आपके घर का लिखा हुआ गीत है, सशक्त गीत है, उसमें आपने मोहल्लों के कुछ नाम डाले हैं। दद्दा ने कुछ नाम लगाए, आपने मोहल्लों के नाम लगाए और मैं देश के नाम लगा रहा हूँ। सुनिए, जब युद्ध हो रहा था राम का लंका में, तो एक व्यक्ति आया, उसके पूरे शरीर पर राम 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 लिखा हुआ था। तिवारी भी दिख रहा है। प्रभु राम ने विभीषण से पूछा, विभीषण ये कौन है? कहा सुनो, लंका में ये नतीजा है, ये रावण का भतीजा है। ये बहुत मन में ऐसा मान लिया, अयोध्या पति का सम्मान किया। पहले दत्ता लंका, फिर अयोध्या, यह लोहे की कलम। मन में अपने मान लिया, अयोध्या पति का सम्मान किया। एक किताब में लिखा है, जब पूछा क्या ये रावण का कौन है, तो उन्होंने कहा भतीजा। और एक किताब में लिखा है, जब पूछा ये कौन है, तो कहा ये रावण का भतीजा है। दादा अब दो लाइन में जो जवाब अच्छा लगे स्वीकार कर लेना। अक्षर ने बचा जान ली है, या और एक शब्द ने बेटे की जान ली है। एक शब्द ने बेटे की जान ली है, एक शब्द ने बेटे की जान ली है। आइए सुखदेव जी हस्तिनापुर में जाने लगे हैं। हस्तिनापुर कामना ये परीक्षित कतन वज्र जैसा बनाने लगे हैं। शंका कुछ मन में शुक्र नाय शंका कुछ मन में छा
समय में अच्छा जवाब। चलिए।